उसके अंदर सिर्फ तीन चीजें रिटर्निंग ऑफिसर देखता था आपकी स्क्रूटनी के लिए। मैं ये सिर्फ बता रहा हूं कि लेजिस्लेचर को वीकन कैसे किया गया सो दैट वी आर नॉट एबल टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसने क्या था कि एक तो वो चेक करे कि मैं क्वालिफाइड हूं या नहीं हूं, क्वालिफिकेशन की मैंने बता दिया कि क्या थी। दूसरा कि मेरा प्रपोजर या सेकेंडर वो क्वालिफाइड है टू प्रपोज और सेकेंड मी और नॉट। और तीसरा था एक डिपॉजिट देना है। ये तीन चीजें वो देखता था और वो आपके नॉमिनेशन पेपर्स अप्रूव या डिसअप्रूव करता था। फर्दर टू दैट आगे चले आप, जो अब 2017 का लेटेस्ट हमारा इलेक्शन लॉ है उसके अंदर उसको कह दिया जाता है कि ये आप FBR, स्टेट बैंक, FIA, NAB, पुलिस सबसे मवाद मंगाए और कोशिश करें कि इसको डिस्क्वालीफाई करें कि कैसे डिस्क्वालीफाई हो, कैसे लेजिस्लेचर वीकन हो। मैं ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बैठे हैं, जब वेन ही वॉज मेड जज ऑफ दी लाहौर, सॉरी द चीफ जस्टिस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट, उसके अगले दिन अखबार में द न्यूज में एक आर्टिकल आया था जिन साहब ने लिखा था, रिनाउंड लॉयर एंड नाउ एन ऑनरेबल जज,